नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लबलेश और आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल कॉमन फंटूस में। तो आज आपको दिखाने वाला हूं मैं अजमत हुसैन की फाइट सनी हिंदुस्तानी के साथ में। दोनों में से किसके सुर ज्यादा ऊंचे लगते हैं और किसकी आवाज में ज्यादा फीलिंग है, ये दिखाने वाला हूं। तो पहले मैं सनी हिंदुस्तानी की परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, उसके बाद में अजमत हुसैन की। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुख तेरा सोनिए गुलाब ना लूं चंगा, मुख तेरा सोनिए बना लूं चंगा, नशा तेरी अख दा शराब नालो चंगा, ओ नशा तेरी अख दा शराब नालो चंगा। क्या बात है यार सनी हिंदुस्तानी, कितने गजब के तबाही सुर लगाते हैं और कितनी खनखनाती हुई आवाज है, बिल्कुल उस्ताद नुसरत साहब की तरह। चलिए अब दिखाता हूँ आपको अजमत हुसैन की परफॉर्मेंस। क्या बात है यार अजमत हुसैन की, इतनी छोटी सी उम्र में, मात्र 18 साल की उम्र में इतनी प्यारी गायकी करते हैं और इतनी गजब की फीलिंग आती है कि बिल्कुल दिल को सुकून मिलता है इनकी आवाज को सुनकर। अब बात कर लेते हैं दोनों की, कंपेयर की कि दोनों में से किसके सुर ज्यादा ऊंचे लगे और किसकी आवाज में ज्यादा फीलिंग आए। तो सुर के मामले में सनी हिंदुस्तानी से ऊंचा कोई भी नहीं गा सकता आज के जमाने में, और वहीं फीलिंग के मामले में अजमत हुसैन से ज्यादा फीलिंग कोई भी नहीं ला सकता इंटरनेशनल में जितने भी सिंगर है। तो फीलिंग के मामले में मुझे यहाँ पर अजमत हुसैन बेस्ट लगते हैं, बिकॉज बहुत ही गजब की फीलिंग लाते हैं अपनी आवाज में। लेकिन सुर के मामले में सनी हिंदुस्तानी से ज्यादा ऊंचा सुर कोई भी नहीं लगा पाता है। तो आपको दोनों में से कौन सा सिंगर अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और एक बात बता दूं कि गाना गाने के लिए फीलिंग चाहिए होती है, ना कि चिल्लाना सिर्फ। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यहाँ बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद में घंटा दबाइए, ताकि मेरी नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।